एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है ये। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। पता नहीं क्या गिरा है, इतनी बड़ी पतंग। अच्छा चलो देखते हैं। वो वहां गिर रहा है, चलो देखते हैं। गिरा। ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है? मैं पूछ रहा हूं, ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? हिंदुस्तान है जनाब। कौन सा इलाका है हिंदुस्तान का? जनाब एकेलान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रुको, दूर रहो, मेरे पास मत आना। पिस्टल नीचे गिराओ। मैंने कहा दूर रहो मुझसे, मैं गोली मार दूंगा। हट जाओ। पकड़ो, भाग रहा है, भाग रहा है, हिंदुस्तानी है, पकड़ो उसे। चलो पकड़ो इसको। अरे अरे सुनो भाईजान। हाँ भाईजान। अभी यहाँ पे कुछ गिरते हुए देखा आपने? हाँ गिरा तो था वहाँ पे कुछ। आप वहाँ पे जाने का रास्ता बता सकते हो? क्या बात करते हो जनाब, यहीं का रहने वाला हूँ, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। अच्छा चलिए मैं ले चलता हूँ। चलो चलो जनाब, चलो।
पिस्टल नीचे गिराओ। छोड़ो उसको, छोड़ो, दूर उठाओ। दूर रहो, मैं बोल रहा हूँ ना, दूर रहो आप, दूर उठाओ, हट जाओ, हट जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा आप। बोल सकते हैं, सुना कल वाला टीवी में जो समाचार था अभिनंदन जी के बारे में? हाँ यार, वो मैंने सुना, वो बहुत ही चिंता का विषय है और देश की मान सम्मान का विषय भी है, देश की इज्जत का विषय भी है। हम भगवान से, वाहेगुरु से, नाजी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भाई सहकुशल वापस देश आए। जिससे अभिनंदन विचार उठे पाकिस्तान में, बस को तो सब लोग भी के लिए दुआ करा भगवानों की वापस जब तो जल्दी में भारत में आवा। आप अपना जवान अभिनंदन देखो पाकिस्तान में फंस गया देश के साथ। नाम क्या है तुम्हारा? विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, मैं एक पायलट हूँ, मेरा सर्विस नंबर 27981 है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भारत का रहने वाला हूँ। भारत में कहाँ से? दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत के किस शहर से? सॉरी सर, मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता आपको। तुम्हारा मजहब क्या है? हिंदू। शादी की है तुमने? हाँ मैंने की है। कौन सा विमान उड़ा रहे थे तुम? सॉरी मैं आपको नहीं बता सकता। विमान के मलबे से आप अंदाजा लगा लीजिए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। तुम्हारा मिशन क्या था? सॉरी मैं आपको ये नहीं बता सकता। चाय पियोगे? चलो ठीक है, खुशामदीद। जनाब इसको इतने महफूज रखने की क्या जरूरत थी? अरे ये हमारी मजबूरी है। मैं तो कहता हूँ जनाब इसे हलाल कर देते हैं। अरे नहीं हलाल कर सकते हम इसको, ये अब हमारे पाकिस्तान आर्मी के अंदर में है। जनाब बोल देंगे आतंकवादियों के हाथ लग गया था। नहीं ले सकते हम आतंकवादियों का नाम, वीडियो बन चुकी है, हर एक जगह फैल चुकी है वो। अब हम अब कुछ नहीं कर सकते, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। या खुदा इसको छोड़ना पड़ेगा। अब खुदा भी क्या करे इसमें, ये हमारा जमीर गवाह नहीं करता। अरे ऊपर से ऑर्डर आया है, ये अंतर्राष्ट्रीय इशू बन चुका है और हमारे वतन पे आंच आ सकती है। सही कहा जनाब, वतन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे तभी तो हम मजबूर हैं, वरना हलाल करना तो मुझे भी आता है, मारने से कुछ नहीं होगा। अरे इसको ना हम दिमागी रूप से परेशान करेंगे और इससे सारी जानकारी लेंगे हम। लगता तो नहीं जनाब ये कुछ बताएगा, ये जानता नहीं है अभी। चलो पूछते हैं।
अभिनंदन, आपने देश में लौट आए भाई, बहुत बढ़िया काम, बहुत खुशी की बात, काम ये देश की बड़ी जीत हुई है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। ये पूरे का पूरा एक सीन था, जिस तरह अभिनंदन आए हैं, गिरे हैं, उनको पाकिस्तानियों या मुसलमानों ने घेरा, घेरने के बाद ये पूरी एक किस्म थी। अच्छा, अब वहाँ चलते हैं। अभिनंदन का विमान हिट हुआ पाकिस्तान के मिसाइल से, हाँ हिट हुआ, और दूसरा उसके जब वो नीचे उतरे हैं तो उस वक्त जब उनको पता नहीं था कि ये पाकिस्तान में हम मैं गिरा हूँ के इंडिया में गिरा हूँ, उसको तो ये लगा मैं इंडिया में हूँ, लेकिन पाकिस्तानी ने झूठ बोला, पाकिस्तानी ने पहले झूठ बोला, हाँ जी ये हिंदुस्तान ही है, मतलब पहले तो ये चीज़ साबित हो कि पाकिस्तान झूठ है, पाकिस्तानी ने जानबूझकर झूठ बोला बोला। फिर जब उसने नारा लगाया अभिनंदन ने, जय माता दी और जय हिंद जय भारत, तो उस वक्त इनके अंदर वो अपना गुस्सा उबले और टूट पड़े। हालांकि वो जो अभिनंदन साहब ने फायर किया था हवा में, वो ड्रफ्ट भी कर सकते थे, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं आया सिविलियन को मारने का, क्योंकि वो उनका मिशन क्या था, बालाकोट स्ट्राइक दहशतगर्दों पर स्ट्राइक करना, लेकिन उन्होंने जब सिविलियन देखे, उन्होंने ये कहा कि मैं ड्रफ्ट इनको नहीं मार सकता क्योंकि ये आम बंदे हैं, इनका क्या गुनाह है इस सारे सीन में, तो इसलिए उन्होंने हवाई फायरिंग की। उसके बाद उसके पीछे हमने देखा दौड़े, पकड़ लिया, पकड़ लेने के बाद पाकिस्तान के दो जवान आए, उन्होंने बाजियाब करवाया, बाजियाब करवाया, ये सारी स्टोरी आप भी जानते हैं, आपने आप भी देख ली, तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री जो भाई पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया था, अगर वो वक्त पे ना पहुंचते तो मान जाने जो आवाम होती है ना, ये उस वक्त उनके जज्बात जो होते हैं, जो उनको पूरी होश नहीं होती, तो उन्होंने बिल्कुल मार डालना था, और वो बिल्कुल गलत बात थी। चले ठीक है, जैसे रास्ते से वो आए थे मारने के लिए आए थे या एयर स्ट्राइक के हवाले से आए थे, लेकिन अवाम ने उनको पकड़ा, उनको बहुत मारा, लेकिन असलम भाई ये आर्मी के बंदे ना आते तो शायद असलम भाई ये अभिनंदन अगर पाकिस्तान के अवाम के हाथों से मर जाते ना, बहुत हालात खराब हो जाते, यकीन जाने क्या ये पाकिस्तान इंडिया में जंग भी छेड़ सकते थे। तो इंडिया ने वो तो छेड़ दी थी पहले ही, ऐसे तुम फुल स्केल बात कर रही हो, जिस तरह फलस जो है ना वो अभिनंदन को मर जाता ना, पहली बात तो वो ठीक है, अगर मर जाता तो बहुत हालात खराब हो, कैसे गैर बातें क्या हालात को, कोई वो उस कंट्री का आइडिया का पीएम है जो उसको मतलब कत्ल हो जाना और हालात खराब हो जाने, तो यहाँ पर वो करने क्या आया था यहाँ पर है? तो उसको भी फिर ठोका गया अच्छे तरीके से ठोका गया। ये तो क्लिप उन्होंने खुद हिंदुस्तानियों ने ये बनाया हुआ, मुस्लिम को बड़ी से टोपी बनाई हो जो गले में एक तावीज पहनाया हुआ है, और टोपी तो पहनते हैं पर जो है वो टोपी नहीं पहनते, कट्टर मुस्लिम जो है वो दिखाया गया, मुस्लिम इस तरह है, और तुमने तुम भी लफ्ज़ तो कट्टर आए, तुम्हें क्या समझा जाएगा ये कट्टर ऐसे होते हैं, ऐसे होते खुद ही पकड़ा गया, खुद ही एक्सपोज हो गया, रहमतुल्लाह खुद ही कह दिया किस तरह के होते हैं कट्टर मुस्लिम, उनकी शक्लें ऐसी होती हैं, दाढ़ी होती है, सर पे टोपी होती है, रात में तस्बीह होती है, आप उनको कट्टर कह रहे हैं भाई, इंडियंस लिख लो रहमतुल्लाह खुद ही एक्सपोज हो गया, कट्टर मुस्लिम इस तरह के होते हैं, तो होते हैं बिल्कुल होते हैं, कट्टर किसको बोलते हैं, कट्टर सम्राट जो खालिस मतलब के जो पक्का मुस्लिम काटने वाले होते हैं, जाने दो यार को छोड़ने वाले छोड़ा करो, जो काटने वाले होते हैं कट्टर। अच्छा एक मिनट प्लीज, एक मिनट मैं इजाफा चाहता हूँ, कटर का मतलब क्या होता है, ये जो कटर का काम क्या होता है, कटर यार ये वो वाला कटर नहीं है, ये और है, कटर का मतलब काटना, नहीं मैं पहले एक्सप्लेनेशन लेना चाहता हूँ, मैं ओवर इसमें क्या है, तुम खुद बोले कटर, तुम खुद बोले कटर, कटर मतलब काटने वाले, लेकिन जो काटने वाले मुस्लिम होते हैं, जिस इरादे से या जिस नीयत से वो आया था, एक्सपोज इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी ने उसे पकड़ा, पकड़ के ले गए उसको, मेरे ख्याल में आर्मी ने नहीं मारा, नहीं अवाम ने, उसको पब्लिक ने उसको मारा था, कैसे मारते, चाय पिलाई, पीछे से प्रेशर, प्रेशर कुछ नहीं होता, जिस जब पकड़ लिया जाता है प्रेशर नहीं होता,
ये आपकी गलत फहमी है असलम भाई, आपके उन्होंने पकड़ा बड़े इत्मीनान के साथ पकड़ के चाय पिलाए बिठाया सवाल किए है ना। हालांकि जिस क्वेश्चन पे वो कहते हैं कि बात को कर रहा मैं बोल जिस क्वेश्चन पे वो कहते हैं कि भाई मैं इसका आंसर नहीं दूंगा उस पे वो फोर्स भी नहीं करते थे फोर्स नहीं तो उसको दो ही करते थे जो मतलब के लगाते तो वो किस तरह नहीं बताते उसको मतलब को थोड़ा सा देख ले के सजा देते उसको टॉर्चर करते उसने बताना था आदमी ने नहीं ऐसा किया। उसके साथ एक फौजी वाला रुपया जो है वो अपनाया और उसने खुद कहा इंडियन मीडिया भोपाल को ज्यादा चढ़ा कर बयान आगे करता। मैं एक और बात करता चाहता हूँ, आपने कहा दो लगाते तो वो मान जाता सब बोल जाता, मैं एक और लिख लो मेरी बात, ये जो आर्मी के बंदे हैं ना आर्मी के लिए लोग हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि उनके टुकड़े कर दो लेकिन ये अपने मुल्क के राज नहीं फाश करते समझे, वो चाहे पाकिस्तानी हो या चाहे इंडियंस हो। ये तुमने तो बड़ी शापर छोड़ दी ना कि दो लगाते सब मान जाता, तुम उसके टुकड़े भी कर देते ना अभिनंदन के तो वो तब भी अपने हिंदुस्तान के राज ना वो फाश करता, ये ज़हन में रखना। चलो ये तो करने के बाद पता चलता तो कितने ऐसे केस हुए, कितने ऐसे हुए रहमतुल्ला, कितनों से तुमने गुलवा लिया। मैंने कौन सा गुलवा, मैं तो वीडियो को रिएक्ट कर रहा हूं। अच्छा मुझे क्या पता उन्होंने किस तरह टॉर्चर करते हैं, मैं तो सजेस्ट बता रहा हूं किस तरीके से गुलवाया जा सकता। फिर रहमतुल्ला बात की तो क्या उखाड़ लेना था इंडिया ने असम्बली के अंदर, आपके इमरान खान साहब ने बोला था, मेरी बात मुकम्मल हो लेना बाद में बोलना तुम्हारी बहुत जल्दी है तुम्हें बहुत मिर्चें लग जाती है इस तरह की बात पर। खान साहब असम्बली में थे तो उस खान साहब ने कहा था कि शायद हमें डर था कि शायद इंडिया, हमें डर था कि शायद इंडिया हमला कर देता, दो लफ्ज आ गए, एक शायद मतलब शश पाँच था, शक था कि हो सकता था हमला, डर भी था। ये लफ्ज आज भी मौजूद है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ जाओ इमरान खान की असम्बली की तकरीर सुनो, डर था कि शायद इंडिया हमला कर देता। फिर अयाज सादक क्या नाम उनका, अमीर यार ख्वाजा आसफ थे और दूसरे ख्वाजा आसफ थे, उन्होंने ये कहा था कि जब ये मीटिंग हुई ना इमरान खान की और हमारे बाजवा साहब की, या बाजवा साहब आए थे तो उनके माथे पर शिकन थे, पसीने थे, टांगें कांप रही थी। अब ये इंडियन तो नहीं ना बोले और कर ले बात, अपनी कंट्री में बैठे हुए काम पे टांगे जो है वो कांप रही थी, माथे पे पसीना, ये इंडिया ने बोला है उसको आग लगी मिर्च लगी वो थोड़ी ख्वाजा भाई बर्तौल है बड़ा यार, बात अगले की भी सुन लिया करो। असल में बात पता क्या है, ख्वाजा अपोजिशन में थे तो अपोजिशन वाले जो है ना वो मौजूदा गवर्नमेंट की टांगे खींचते रहते हैं, ऐसी ऊट पटांग बातें जो है ना वो अपोजिशन करती रहती है, तो उन्होंने इस वजह से कहा था कि मौजूदा गवर्नमेंट को जेर करने के लिए नीचे दिखाने के लिए इस वजह से बोला था। ठीक है मैं मानता हूँ मौजूदा वक्त हुकूमत को जेर करने के लिए, इसमें अब दो सोचते हैं असलम भाई, इसको भी जेर में रखो, एनालाइज किया करो चीज़ों को। पहली बात ये कि जब इंटरनल सियासत होती है ना, इंटरनल सियासत उस पर वो बहस मुबासा कर सकते हैं, दूसरे को तनकीद कर सकते हैं, जब आ जाता है इंटरनेशनल मुद्दा और ख़ास कर इंडिया तो इस तरह की बातें पाकिस्तान असलम भाई मेरी बात नहीं कमल असलम भाई, तुम्हें भी रहमतुल्लाह के तो झूठा गा लिया है, मैं भी बात कर रहा हूँ जो सच का साथ देता है, मैं बात नहीं अभी कर रही, मेरी बात मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई यार, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। पहले सूरत हाल तो ये थी कि हम इस इंटरनेशनल मुद्दे पर इकट्ठा होना चाहिए था, ठीक है एक हमारी बात वही तो बात है। अच्छा फिर भाई वही तो बात कर रहा हूं, अभी बात मुकम्मल नहीं, अभी दूसरा रुख देख यार, दूसरा रुख ही आपने देखा, आपने दूसरा रुख नेशन को जुड़ जाते हैं। क्या ख्वाजा आसफ ने इमरान को कहा था, बाजवा का नाम लिया था, जाओ सुन लो, क्या सुन लो, जाओ सुन लो, इस पर भी चैलेंज है तुम्हें,
जो सुन लो कहा था कि बाजवा साहब की टांगे कांप रही थी, वो गवर्नमेंट को नहीं कह रहा था, वो स्टेट को कह रहा था कि स्टेट की कांपे टांग रही थी। अब कहने से कांपे टांग रही थी, अब एक्सपोज हुए तो ना क्या गवर्नमेंट असल में क्या अपोजिशन में था इसलिए गवर्नमेंट का है अपोजिशन के साथ। यार एक मिनट मेरी मुकम्मल हुई, अब एक्सपोज हुआ बस ये। अगर अगर ख्वाजा आसफ ने अगर आर्मी चीफ का नाम लेकर कहा हो अपना बाजवा साहब की कंपे टांग रही थी तो माथे पर पसीने थे, तुम्हें तुम बताओ तुम्हारी क्या सजा थी? क्योंकि स्टेट को वो कह रहा था, वो इमरान खान को नहीं कह रहा था, वो स्टेट की कंपे टांग रही थी। भाई मैं नहीं मानता कि ऐसा तुम ना मानो काम पे टांग रही थी। इंडिया को बला है क्या? हाँ, है क्या इंडिया बला से चार मरतबा धोया, चार मरतबा धोया, पता नहीं कहाँ पर आप बैठी बैठी बातें करके कोई सस्ता नशा करके बैठ जाते हैं रोजाना। ये दुनिया जानती है या इंडियन जानते हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसका बस ला। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज कमेंट्स में यूज करते हैं। चले जी बात मुस्तर ये है, अभिनंदन आए थे आर्मी चीफ के माथे पर पसीने थे जो टांगे वो काम पर रही थी, ये आर्मी चीफ का लफ्ज इस्तेमाल किया था गाजा से, जो वो स्टेटमेंट आज भी सुन रहा है। चले जी खैर, इस वजह से हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि डर था, खान साहब बोले डर था कि शायद इंडिया हमला कर देता, फिर ख्वाजा साहब कोई डर नहीं था, पीस फिर छोड़ा क्यों? अमन का पैगाम ना 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 तुम जो मर्जी करते रहो। तब जब 1948 में बॉर्डर क्रॉस किया कश्मीर की तरफ किया तब अमन का दर्श दिया, जब 65 में बॉर्डर क्रॉस किया अमन का दर्श दिया, 71 में जब पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया, पहले इंडियन आर्मी ने अटैक किया, तुम्हारे रिटायर्ड असगर एयर चीफ, तुम्हारे तो बात ही कोई, तुम किस खेत की मूली हो, एयर चीफ असगर खान का स्टेटमेंट सुन लो, वो कह रहे हैं जितनी वॉर्स है हमने खुद स्टार्ट की हैं, हमने हमला पहले किया है। एयर चीफ को पिद्दू नहीं होता, बड़े एयर चीफ का मतलब है वो पूरी एयरफोर्स का मालिक है, ठीक है? एक सेकंड आप भाई कॉपी राइट की छुआ देगा, आप सुन ले एक मिनट, मैं भाई वीडियो मेरे पास आ गई, अच्छा केस भाई ने भी चल, पाक आर्मी चीफ वाज स्वीटिंग, मतलब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पसीना आ रहा था, लेग वार शेकिंग, टांगे कांप रही थी, खुद एक्सपोज हो गए। इस पर तुम मुझे टाइटल से झूठ हो, इस पर पार्टी लगा के यही सेम लफ्ज ख्वाजा आसफ यार सादिक है, ख्वाजा आसफ नहीं, चले सुन लेते हैं, आप भी सुने हम भी सुनते हैं, यार सादिक है, सॉरी मैं ख्वाजा आसफ, अब ये झूठे मराज बात बात सुनो। सुनना हाँ इमरान खान ने अटेंड नहीं की थी वो मीटिंग, आर्मी चीफ आए टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ की, हाँ जी आया कौन है शाह महमूद कुरैशी भी आया, वो कह रहा है शाह महमूद कुरैशी पहले मौजूद थे बाद में आए, यार ना एक्सपोज हो गए मेरे बेबी, इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी, और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे पहले, अब सुनना तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दो, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, ये गैरत ये पांव के लाए आए मजा, खुद एक्सपोज होगा,
यहाँ शासक ने कहा आर्मी चीफ आए पैर कांप रहे थे, तुम तो मान ही नहीं देते बोल ही नहीं होगा। मैंने कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता बोला है पैर कांप रहे थे। अच्छा लेकिन इस बात तुमने कहा असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई अब सबर कर लो। तुमने बोला कि वो अपोजिशन है गवर्नमेंट को बोल सकती है। मैंने कहा नहीं, वो आर्मी चीफ को बोला, बोला नहीं बोला भाई ये सच्चा। फिर शाह मुकेशी की भी उसने बात की, बाद में फिर शाह मुकेशी की बात की। खुदारा अभिनंदन को जाने दो, ये इंडिया हम पर रात के 9 बजे हमला कर देगा। चलो जी पल्ले से भी ये नहीं वो ठीक है। ये भाई अपोजिशन था, ये मौजूद था उस मीटिंग में, ये भी था। अपोजिशन भी होती है असलम भाई, अपोजिशन भी होती है, अपोजिशन भी होती है इन मीटिंग्स में। आपको लगता है कि जो नवाज शरीफ की अपोजिशन पार्टी है जो पहले थी वो सारी सच बोलती है? पाकिस्तानियों का सब एक ही मसला, ये सच बता रहा, पाकिस्तानियों का एक मसला है, झूठ पकड़ा भी जाए ना मानते नहीं। मैं कहता हूँ कि ठीक है उसने बोला है आर्मी चीफ को, बोला है मैं मानता हूँ, तो मान नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने मान लिया है। हाँ। लेकिन मुझे ये बता दो जो अपोजिशन उस वक्त की थी क्या वो सारी की सारी दूध की धुली हुई थी? बिल्कुल सच बोलती थी, सच बोलती थी, सच बोलती, ये सच बोला इसने, सच बोला असगर खान तुम्हारे असगर खान एयर चीफ मार्शल वो बोले थे पाकिस्तान ने चारों मरतबा अटैक किया, ये तुम्हें सब पता है। तुम जहां पिचकी डाल रहे हो, मुझे क्या जरूरत है पिचकी डालने? चले जी खैर पाकिस्तानी अब हो गए, पाकिस्तान को डर था और इंडिया पता है, इंडिया जंग हो जाती थी, मैं मानता हो जाती थी। चले जी शानदार की बात सुन लो, पहले मेरी बात सुनी है तुमने। तुमने कहा कि उसको डर था कि 9 बजे रात को हमला कर देता, ठीक है डर तो उसको होता है जिसके पास खुद कोई असलाह वगैरह कुछ अपने आप सेफ्टी के लिए कुछ भी ना हो। हमारे पास क्या कुछ भी नहीं था, अगर इंडिया कर भी देता तो हमारे पास क्या, हम मरे जा रहे थे? बरम उस रोक लिया था, तो बरम उस एक बरम उस आ जाता तो रोक लेते, तो और उस पर वार आ जाते थे हम इधर। आपने बरम उस रोक लिया था, ठीक नहीं रोका, शेम तो नहीं हमारा से, कोई शर्म नहीं आती, कोई शर्म ही नहीं है आप में, कोई शर्म आया नहीं इस कौम के अंदर, ऐसी जलील कौम चित्र खा का भी शर्म नहीं है। मिलते नहीं, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।